हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लता है और आप सबका हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेहसाना की स्पेशल डिश तुवेर के ठोठे, जो कि स्पेशली विंटर में बनाई जाती है। ये स्वाद में बहुत ही लाजवाब बनती है और साथ ही स्पाइसी भी। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ड्राई तुवेर के दाने होते हैं, यानी कि जो साबुत तुवेर के दाने होते हैं, इसे कम से कम 6 से 7 घंटों के लिए पानी में भिगो के रखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से केसरोल या किसी भी हॉट पॉट में डालकर इसे भिगो के रख सकते हैं। इस तरह से भिगोने से ये सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप तुवेर के दाने लेकर इसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। अब इसे हम 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 2 से 3 ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से बॉयल होने तक कुक करेंगे। तो ये लगभग 6 से 7 विसल आने तक अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद आप गैस बंद कर लें। तो चलिए, तुवेर के दाने जब तक अच्छे से बॉयल ना हो जाए तब तक आपको यहाँ कुछ प्रिपरेशंस करनी है। इसे हम 10 लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ 7 मीडियम साइज की प्याज लेनी है और इसे मिक्सी जार में डालकर इस तरह से इसकी प्योरी तैयार करनी है। साथ ही यहाँ मैंने 10 मीडियम से थोड़ी सी छोटी साइज के टमाटर लिए हैं, इनकी भी मैंने इस तरह से यहाँ प्योरी तैयार करके रखी है। वैसे आपको प्याज और टमाटर का रेशियो सेम लेना है, लेकिन यहाँ टमाटर की साइज थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ 3 टमाटर एक्स्ट्रा लिए हैं। नेक्स्ट, यहाँ मैंने 100 से 150 ग्राम गार्लिक ली है, साथ ही 50 से 60 ग्राम जिंजर यानी कि अदरक ली है, 6 से 7 कम तीखी वाली हरी मिर्च और 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्च लेकर मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इनके इस तरह से फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अब हांडी या फिर बड़े बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। फ्रेंड्स, ये रेगुलर वाला ऑयल नहीं है, ये तिल का तेल है। मेहसाना में तुवेर के ठोठे बनाने के लिए तिल के तेल का यूज किया जाता है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच क्लेरिफाइड बटर यानी कि देसी घी डालकर इसे गर्म होने दें। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे रेगुलर ऑयल में बनाएं, और अगर आपको घी पसंद है तो आप इसे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इस तरह से बहुत सारे साबुत मसाले लिए हैं, इन्हें अब एक एक करके इसके अंदर डालते जजाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, साथ ही इसके अंदर 1 चम्मच वरियाली डालेंगे, जिसे सौंफ या फिर इंग्लिश में इसे फेनल सीड्स कहते हैं। 3 से 4 लौंग डालेंगे, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा सिनेमन यानी कि दालचीनी, 2 से 3 बेल लीव्स यानी कि तेज पत्ते, 5 से 6 सूखी साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 चम्मच सफेद तिल और करी पत्ते डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें और कुछ सेकंड्स तक इन्हें पका लें। अब इसके बाद इसके अंदर हरी लहसुन डालेंगे, जो कि सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर 100 से 125 ग्राम हरी लहसुन ली है। हरी लहसुन की वजह से ही इस सब्जी को विंटर में बनाया जाता है, इसलिए इस सब्जी में बहुत सारी हरे लहसुन या फिर आप चाहें तो इसके अंदर हरी प्याज का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मेहसाना में जिस ट्रेडिशनल वे से इस सब्जी को बनाया जाता है उसमें बहुत सारी हरी लहसुन का यूज़ होता है, साथ ही खड़े मसालों का भी बहुत ही यूज़ होता है। सो यहाँ मैंने 100 से 125 ग्राम हरी लहसुन ली है। अब आपको इसे कुछ देर तक पकाना है, जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। ध्यान रहे, हरी लहसुन को आपको ना ही ज़्यादा पकाना है और ना ही कच्चा रखना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने कच्चे प्याज की पेस्ट तैयार की है, जो हमने प्योरी तैयार की है, इसे इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब प्याज को जो हम मिक्सी जार में बिना उबाले ही जब ग्राइंड करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें, इससे ये इजीली ग्राइंड हो जाएगा और इसे पकाते टाइम जो इसके अंदर का पानी है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे ढक कर कुछ देर के लिए पकने देंगे। इसे आपको लाइट पिंक कलर आने तक पकाना है और बीच बीच में मिलाते रहना है। तो ये देखिए, तुवेर के जो दाने हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसे हम फिलहाल साइड में रखेंगे और यहाँ जो हमने प्याज पकने के लिए रख दिया है, इसके अंदर का जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो गया है, प्याज बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। अब इसके अंदर जो हमने अदरक मिर्च और लहसुन की पेस्ट बनाकर रखी है इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे और कुछ देर तक इसे ढक कर पका लें। अब 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसके अंदर हम 50 से 60 ग्राम गुड़ डालेंगे।
जो इसके अंदर हमने हॉल गरम मसाले डाले हैं उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ जरूर ऐड करें। साथ ही इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सब्जी को बहुत ही गर्म यानी कि बहुत ही तेज बनाया जाता है, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर अब 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और अगर आप इसे तीखा और कम मसालेदार बनाना चाहते हैं तो मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने टोमेटो की प्योरी तैयार करके रखी है इसे इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर तक इसे पकाएंगे। अब इस सब्जी को बढ़िया सा कलर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस सब्जी का बहुत ही बढ़िया सा कलर और साथ ही बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर भी आ गया है। अब इसे हम कुछ देर तक कम आंच पर पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर से तेल छूटने ना लगे। और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ी सी हरी लहसुन डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिला लें। अब फ्रेंड्स, अगर आप इस सब्जी को और भी ज़्यादा स्पाइसी यानी कि तीखा बनाना चाहते हैं तो क्या करें, इस तरह से मिक्सी जार में 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च लें, इसके अंदर 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालकर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। अब जो ये स्टेप है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप करें। अब जो हमने ये पेस्ट तैयार की है इसमें से 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे कुछ सेकंड तक पकाएंगे। अब जो हमने तुवर के दाने बॉईल करके रखे हैं इसे इसके अंदर डाल देंगे और इसे कुछ देर तक ढक कर पकाएंगे। इस स्टेज पर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करें क्योंकि हमें इसे कम आँच पर कुछ देर के लिए पकाना है। तो यहाँ जो मैंने मसालों की पेस्ट तैयार की थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और यही पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप इसकी जगह नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और इसे कम आंच पर ढक कर पकाएंगे। तो ये देखिए, तुवेर के ठोठे की सब्जी तैयार है। अब इसे हम मेहसाना स्टाइल में सर्व करेंगे। मेहसाना में इस सब्जी को सर्व करने के बाद इसके अंदर नायलॉन की सेव और हरा धनिया डालकर इसे सर्व किया जाता है, या फिर आप इसे इस तरह से ब्रेड या फिर बाजरी की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही ये सब्जी बहुत ही तीखी और मसालेदार रहती है, इसलिए इसके साथ सलाद भी ज़रूर सर्व करें और ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए इसके साथ बटर मिल्क यानी कि छाछ भी सर्व की जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद अगर आपको हमारे बाकी के वीडियोस देखने हैं तो कुछ वीडियोस की लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और कुछ वीडियोस की लिंक्स हमने एंड स्क्रीन और ऊपर आई बटन में भी दे रखी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।